नमस्कार, सहारापणा समय मुंबई मध्ये आपलं स्वागत। मी निखिला, एक नजर टाकूया ठळक घडामोडी। मुंबई काँग्रेस रोजगार विभागाचे अध्यक्ष राकेश शेट्टी यांनी येत्या 15 दिवसात मुंबईतली सर्व हुक्का पार्लर्स बंद करण्याचा विडा उचललाय। मुंबई शहरामध्ये 600 ते 800 अवैध हुक्का पार्लर आहेत। या हुक्का पार्लर्सकडे तरुण वर्ग ओढला जातोय। हे रोखण्यासाठी हुक्का पार्लर्स बंद करण्यासाठी शेट्टी यांनी पावलं उचलली आहेत। त्यासाठी त्यांनी पोलिसांची देखील मदत मागितली, मात्र पोलीस या संदर्भात मदत करण्यास तयार नाही आहेत। त्यामुळे आपणच ही मोहीम सुरू करणार असल्याचं शेट्टी यांनी म्हटलंय। जिंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बीएमसी का इस पर पूरा जिम्मेदारी बीएमसी का है। यूथ को पता नहीं कि वो क्या ले रहे, क्या हुक्का ले रहे, इसका कौन जिम्मेदार है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री आरआर पाटिल जी दोनों को मैंने पत्र भेजा है और आने वाले दो दिनों में उनसे टाइम भी लूंगा और चाहूंगा कि इस पर आईपीसी कोड लगाए और जो भी ये हुक्का पार्लर चला रहे उनको ताबड़तोड़ अरेस्ट किया जाए। पुलिस कहती है हमारे पास अथॉरिटी नहीं, तो किसकी जिम्मेदारी है? बीएमसी लाइसेंस नहीं दे रही है, पुलिस कहती है हमारे पास अथॉरिटी नहीं, फिर कौन जिम्मेदार है इस? आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची। ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा समय मुंबई।